ये सीसीटीवी वीडियो है हरियाणा के रेवाड़ी में प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर का, जहां पर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोर करीब 3 घंटे तक मंदिर के अंदर रहे और भगवान की अलग अलग मूर्तियों के पास रखे दान पात्र से करीब 70,000 रुपए चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, चोरी करने के बाद पैसों की गिनती वहीं बैठकर आराम से की। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल मंगलवार की सुबह जब पुजारी और पूजा करने वाले लोग मंदिर में पहुंचे तो दान पात्र टूटे मिले। मंदिर के शीशों की खिड़की भी टूटी हुई थी। इसके बाद मंदिर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उसमें रात करीब 9:30 बजे चोर मंदिर के अंदर घुसता हुआ दिखा। करीब 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो मंदिर में ही रहा। इतना ही नहीं, चोरों ने चोरी किए गए पैसे मंदिर में बैठकर ही गिने। टीपी स्कीम रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी पवन वत्स ने बताया कि रोजाना की तरह सोमवार रात भी वो मंदिर के कपाट बंद करके घर चले गए थे। पीछे से रात को एक चोर मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद वो मंदिर के अंदर रखी अलमारियों के ताले तोड़ने के साथ ही खिड़कियों को भी तोड़ दिया। साथ ही हनुमान जी, देवी माँ और शिव मंदिर के दान पात्र उखाड़ दिए। मंदिर के पुजारी ने आगे कहा कि चोरों ने तीनों दान पेटी से करीब 70,000 रुपए चोरी किए। इसके बाद आधी रात करीब 1 बजे मंदिर से निकल गया, मगर मंगलवार सुबह मामले की जानकारी गोकुल गेट चौकी को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मंदिर में लगे सीसीटीवी की फुटेज को कब्जे में ले लिया। साथ ही चोरी की FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है।